एक्ट्रेस श्रीदेवी ने एक बहुत बड़ा करीब 5 फुट 6 इंच बड़ा फेवर किया था एक बॉलीवुड सुपरस्टार पे। आज यही कहानी आपको सुनानी है। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। आज का ये जो किस्सा है ये 1989 का है। अगर आप फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने के शौकीन होंगे तो आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें श्रीदेवी थी और श्रीदेवी के साथ उस तस्वीर में बॉलीवुड स्टार थे जो सिर्फ 1989 में एक फिल्म पुराने थे। एक फिल्म, वो फिल्म थी QSQT, कयामत से कयामत तक, और मैं बात कर रहा हूं आमिर खान की। आमिर और श्रीदेवी की पहली शूट यानी पहली फोटोशूट की ये तस्वीर शायद आपने देखी हो। ये तस्वीर एक मशहूर फिल्मी मैगजीन में छपी थी। इसी मैगजीन के कवर पेज पर आमिर खान और श्रीदेवी की साथ में खिंचवाई हुई पहली तस्वीर जिसमें आमिर खान और श्रीदेवी एक ही फ्रेम में थे, वो छपी थी। और उस तस्वीर से जुड़ी हुई एक बहुत ही स्पेशल बात है। आमिर खान की हाइट है 5 फुट करीब 3.5 इंच, श्रीदेवी की हाइट थी 5 फुट करीब 6.5 इंच। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारी हीरोइंस होती हैं उनको एक सर्टेन पैकेज के साथ ही आना होता है। ज्यादा वो लंबी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे हीरो ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन इस केस में क्योंकि श्रीदेवी आमिर खान से लंबी थी और उन्होंने हील्स भी पहनी हुई थी तो श्रीदेवी आमिर खान से काफी ऊपर दिख रही थी। अगर लड़का छोटा है तो उसको नीचे बैठा दो, लेकिन जब वो खड़ा होगा तब क्या होगा। यही प्रॉब्लम आई उस फोटोशूट के दौरान जब आमिर खान और श्रीदेवी को एक ही फ्रेम में खड़ा किया गया। प्रॉब्लम ये थी कि श्रीदेवी आमिर खान से काफी ऊपर दिख रही थी और ऐसी तस्वीर किसी भी फिल्मी मैगजीन के कवर पेज पर नहीं छापी जा सकती थी क्योंकि इंडियन ऑडियंस एक लंबी लड़की एक छोटा लड़का कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन ये बात श्रीदेवी से कहे कौन, और कहे भी तो क्या कहे, आप लंबी लग रही हैं। वेल, इसका सलूशन क्या है? उस मैगजीन के स्टाफ का और उस फोटोग्राफर का मुंह उतर गया कि अब किया क्या जाए। श्रीदेवी ने सबके लटके हुए चेहरे देखे और तुरंत ही ग्रास्प कर लिया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड विद इन अ सेकेंड उन्होंने अपनी सैंडल उतारी, दूर फेंकी और वापस फ्रेम में खड़ी हो गई कुछ इस तरह से कि वो छोटी लगे और आमिर खान लंबे लगे। और उसके बाद जाके वो तस्वीर ली गई जो मूवी मैगजीन के कवर पेज पर छपी। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह आपने देखी होगी। अगर अमिताभ बच्चन को बांग्ला बोलते हुए आपको सुनना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।